सो नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर एन अदर एग्जाम्पल बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने या उससे अडेप्टेबिलिटी के लिए देर इज नो सच क्राइटेरिया एज शॉर्टकट द ओनली 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 थिंग वाया विच यू कैन लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स बाय डुइंग हैंडज ऑन जितना ज्यादा आप हैंडज ऑन करेंगे यानी जितने ज्यादा आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे जितने ज्यादा शुरू में एरर आएंगे That means you are trying to learn. So that's why I am rather than a concept, I am trying to discuss as many as working examples with you guys, that you can a how implement it, and then in the end, I will try to share some, some practice questions and some, uh, some new thing with you, that you can explore explore So here is another example. Just look at the screen. Now, the question is ab again, business requirement. Hai. You need to write a PLSQL block to increase the salary by 15% as a retention bonus of all those employees who have been associated with a company for more than a 10 years. So, simple security: Aapke, for example, a company has 100 employees, and 15% retention bonus dena, who have been working with the company for the past. टेन ईयर्स सो ये एक मतलब ये कंपनी पॉलिसी होती है अमूमन एचरल पॉलिसी बहुत सारी कंपनीज में होती है कि दे पे इंप्लॉयज एज अजस्टर ऑफ गुड वेल कि जी वो दस साल से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आफ्टर टेन ईयर्स फॉर एग्जाम्पल वो फिफ्टीन परसेंट जो भी सैलरी थी उसका बोनस दे देते हैं सो दैट्स अ नॉर्मल बिजनेस रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट इस तरह की रिक्वायरमेंट मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि यू यू विल फाइंड इट ईजी

अगेन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दो से तीन आप डिफरेंट वर्जन लिखें ऑफ सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपसे बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं आपके साथ सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस करूं और मैं ये बता दूं कि ये सोल्यूशन ये कर रहा है विदाउट टेलिंग यू द प्रॉब्लम तो आपकी लॉजिक बिल्ड कभी नहीं होगी दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा आई एम ट्राइंग टू डिस्कस फर्स्ट द प्रॉब्लम ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग की कैपेबिलिटी बने देखें कंप्यूटर साइंस में लॉजिक बिल्डिंग इज द की जो सिंटेक्स है वो फॉर एग्जांपल आज और फॉर एग्जाम्पल इलेवन और कल को इसका अगला वर्जन आ जाएगा वे अराउंड इसका अगला वर्जन आ जाएगा बट लॉजिक बिल्डिंग स्किल इज द स्किल विच विल टेक यू अलॉन्ग सिंटेक्स में चेंज नई चीजें आ जाएंगी यू कैन एडॉप्ट वट लॉजिक बिल्डिंग आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस uh, के अलावा नहीं आएगी और प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका यह है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझें पहले सोल्यूशन खुद से लिखें दो से तीन इंप्लीमेंट करें एंड देन लुक एट माई सोल्यूशन बिकॉज माई सोल्यूशन इज वन पॉसिबल बट यू शुड ट्राई टू राइट एट लीस्ट टू टू थ्री वेरिएशन द रीजन आई एम स्ट्रेसिंग इज इट अगेन एंड अगेन ऑन इट ऑल्सो बिकॉज जो आपके एग्जाम्स होने हैं असेसमेंट्स होनी है मिड टर्म फाइनल टर्म असाइनमेंट वो प्योरली प्रैक्टिकल एंड इज नो थ्योरी मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह से मिलते जुलते तो क्वेश्चन आएगा तो यू कैन नॉट से इन द एग्जाम कि हमने फॉर एग्जाम्पल लेक्चर में तो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस की थी एग्जाम में डिफरेंट आ गई है ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी रीजन कि यू नीड टू नो द लॉजिक एंड सिंटेक्स नॉट द क्वेश्चन लेकिन लॉजिक प्रैक्टिस ऐसी होगी लॉजिक बिल्डिंग की जो स्किल है वो आपकी पॉलिश ऐसी होगी कि आप खुद से लॉजिक बनाए एंड दैट्स वन थिंग एनी वे कमिंग बैक टू दोल्यूशन सोल्यूशन वेरी सिंपल कोई डिक्लेयर सेक्शन नहीं है दिस इज एन अदर वेरिएशन बिगेन अपडेट ई एम पी सेट सैल इज इक्वल टू सैल मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वन फाइव जो भी करंट सैलरी थी उसको पॉइंट वन फाइव यानी फिफ्टीन परसेंट से मल्टीप्लाई करें और एग्जिस्टिंग सैलरी में एड कर दें तो जो भी उसकी सैलरी होगी वो फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज हो जाएगी बट द चेक वॉज कि द एम्प्लॉय शुड बी वर्किंग विद विद एट एटलीस्ट टेन ईयर्स यानी टेन ईयर्स से मुरादे कम अज कम एक सौ बीस महीने हमारे पास होने चाहिए मतलब वो जब से हमारे साथ काम कर रहा है तो इसका चेक बड़ा सिंपल सिंपल्स है वेयर मंथ अंडरस्कोर बिटवीन ब्रैकेट में डेट यानी आज की डेट सिक्स मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन कॉमा हायर डेट जिस दिन वो हायर हुआ था दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें मंथ अंडर स्कोर बिट्वीन का फंक्शन देता है अगर वो डिफरेंस एक सौ बीस से ज्यादा है इसका मतलब है ये एम्प्लॉय हमारे साथ दस साल से ज्यादा एसोसिएटेड है तो तब अपडेट की कमांड रन हो जाएगी और नीचे मैसेज आ जाएगा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट सैलरी अपडेटेड यानी उसकी सैलरी अपडेट हो गई है सो लेट्स ट्राई टू रन इट लेट मी जस्ट गो बैक टू द एडिटर एंड लेट मी रन दिस क्यूरी फॉर यू ओके मैं इस क्यूरी को रन किया तो मेरे पास मैसेज आया सैलरी अपडेटेड तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है वो अपडेट हो गई है अब इसमें जो हमारे पास अभी एक एक चेक है यानी एक एक्सेप्शन हो सकती है इसके अंदर वो ये है कि अभी हमें ये नहीं पता लग रहा कहीं पे भी कि कितने एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट हुई है यानी दस एम्प्लॉयज की हुई है दो की हुई है तीन की हुई है चार की हुई है वो अभी हमें हमें पता नहीं लग रहा नाउ अभी तक हमने जितना पढ़ा है वी डोंट नो एनी सच थिंग जिससे हम ये पता लगा सके कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट हुई है मैसेज ये आ रहा है कि सैलरी अपडेटेड बट हाउ मैनी एंप्लॉयज गॉट दिस अपडेटेड सैलरी वी डोंट नो तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमें ऐसा कोई ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट नहीं पता कि वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि कितने एंप्लॉयज की सैलरी अपडेट हुई है दैट्स एन अदर लिमिटेशन ऑफ एसक्यूएल लेकिन एज वी प्रोग्रेस इन द कोर्स यू विल फाइंड आउट कि देर आर मोर देन वन वेज टू फाइंड आउट यूजिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई मीन पी एल जो प्रोसीजर लैंग्वेज है उसको यूज करते हुए देर आर सर्टन कंस्ट्रक्ट विच विल गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कितनी रोज अपडेट हुई है एक हुई हैं दो हुई हैं तीन हुई हैं जीरो हुई हैं जितनी मर्जी हुई है तो दे विल गिव यू तो अभी के लिए सिर्फ ये हमारा कोर्ट चल रहा है कि सैली अपडेट हो गई है कितनों की हुई है वी डोंट नो सो दैट्स एनदर कॉन्स्टेंट ऑफ यूजिंग एसक्यूएल ओनली विदाउट पीएलएसक्यूएल